मेरे प्यारे दोस्त, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में स्वागत है। ये क्लासेस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की चल रही है। मैं अविनाश, काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, काफ़ी और क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री में होनी बाकी है। यहाँ पर टोटल जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन जो कंपटीशन में आते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये एकेडमिक और कॉम्पिटिशन बोथ दोनों टाइप्स के एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, आपके साइड से इसको फॉर्मूलाज को लर्न करना पड़ेगा। तो वही इस क्वेश्चन को देखते हैं। cos theta minus sin theta plus 1 whole divided by cos theta plus sin theta minus 1 it is equal to cosec theta plus cot theta, ये result पे हमें आना है। Now, आपके लिए और इस time के लिए काफी complicated लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक concept लग रहा है, जैसे कि last two classes में भी हमने last two classes में दो questions को किए थे, जिसमें कि sec tan वाले questions थे, इनको सॉल्व करके आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जो कॉसेक और कॉट में भी आ सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज हमने उसमें अप्लाई की थी, वही प्रॉपर्टीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। बट हमारा इंटेंशन पहले ये होगा कि इस पूरे टर्म्स को हम चेंज कर दें कॉसेक और कॉट में, इसके बाद हम रिजल्ट पे आ सकते हैं। दैट मीन्स कि फ्रॉम एलएचएस में हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड करने वाले, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, सो जो रिजल्ट आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस बाई साइन कॉट, क्योंकि हमें रिजल्ट कॉट में लाना था। ये जो क्वेश्चन है सेकेंड टाइम्स में भी हो सकता है कि आप इस टर्म्स को सेक और टेन में भी चेंज कर सकते। जब सेक टेन में चेंज करना होता तो हम इसमें दूसरे प्रॉपर्टीज अप्लाई करते। तो यहाँ पर क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया कि कॉट है, दैट मीन्स कि हम साइन से डिवाइड कर रहे हैं, अगर टेन रहता तो हम इसमें कॉस से डिवाइड करते। तो ये हो गया न्यूमिनेटर कॉट थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा कैंसिल, सो ये वन वन अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा फोर डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा प्लस वन माइनस कॉसेक थीटा। अब इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम इनको अरेंज करेंगे। कॉट और कॉसेक cot theta plus cosec theta और लास्ट में ये माइनस वन लिख देंगे, ऐसे डिनोमिनेटर में भी वैसा ही कुछ करेंगे। cot theta minus cosec theta plus वन, और ये जो स्टेप हमारा पहुंचा, यहाँ से हमने लास्ट क्लासेस में भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर इस टाइप्स का एक्सप्रेशन आपका आ जाता है तो यहाँ से आपको कुछ नहीं, केवल वन को, वन का जो ये रिजल्ट है आप उसको कॉट और कॉसेक में चेंज कर लीजिए, वहां से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा और आप सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करते हैं देखिए, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस वन। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि वन का रिलेशन कॉट और कॉसेक में क्या होता है। तो वन का रिलेशन ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो वन होता है होल डिवाइडेड बाई cot theta minus cosec theta plus 1. Next. So, ये जो result है, cot theta plus cosec theta एक bracket में ले लिया, ये a square minus b square की properties यहाँ पर apply कर ली, into cosec theta plus cot theta. Now, डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सो न्यूमिनेटर में ये ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये दोनों जो है आपका कॉमन है, तो इसको आप बाहर कॉमन ले लेते हैं। हम इनको कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर कॉमन लेने के बाद यहाँ आपका वन बच जाएगा, और इसे बाहर लेने के बाद यहाँ आपका ये टर्म्स बच जाएगा माइनस कॉसेक थीटा माइनस
cot theta. Whole divided by cot theta minus cos theta. So again इस step में जो अगला step होगा इसको केवल simplify करेंगे, bracket को open करेंगे और ये as it is same रहने देंगे. Cot theta plus cosec theta और bracket के अंदर one minus cosec theta plus cos theta whole divided by that is यहाँ हमारा equal to का sign आ जाएगा. cot theta plus one यहाँ पर जो term से ये छूट रहा है plus one यहाँ भी term छूट रहा है plus one. So you cot theta minus cosec theta plus one. So अभी हम चेक करते हैं cot theta plus है, cot theta plus है, cosec theta negative plus one so ये terms और ये terms बिल्कुल same था तो जो आपका left हो गया वो है cot theta plus cosec theta और ये ही हमें RHS से प्रूफ करना था. तो अगेन एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये जो टर्म्स अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर ये cos sin के टर्म में है और RHS में cosec cot दिया है तो दैट मींस न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को आपको sin से डिवाइड करना पड़ेगा. sin से इसलिए डिवाइड करें क्योंकि cos by sin जो आएगा टर्म्स वो cot में आएगा और आपका ऑलरेडी उधर cot दिया हुआ है और 1 by sin जो आएगा cosec आएगा जो कि cosec उधर दिया हुआ है. इन केस सेम टर्म्स रहता और हमारा RHS में sec और tan रहता है तो हम न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में cos से डिवाइड करेंगे. ये कांसेप्ट हो गया इस स्टेप के लिए. सिंपलीफाई करने के बाद जब आप इस जगह पे आते हैं तो अगेन इस टाइप्स के हमने दो क्लासेस और ली या पहले ली है वहां पर केवल हम ऑब्जर्व करेंगे ये वन जो है इस वन को हमें चेंज करना पड़ेगा cot और sec में चेंज कर दिया हमने. और यहाँ पर जब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूलाज अप्लाई कर लेते हैं कॉमन टर्म्स को बाहर कर लेते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा बिल्कुल कैंसिल हो जाता है और हम RHS तक आ जाते हैं.